मैनिक एपिसोड के बारे में आज बातचीत करते हैं। बायपोलर डिसऑर्डर का एक हिस्सा है मैनिक एपिसोड, मतलब मैनिक सिम्टम्स। तो मैनिक सिम्टम मतलब बहुत हाई फाई विचारधारा, हाई फाई बर्ताव, और वो लक्षण दिखाई देते हैं वो व्यक्ति में। होता क्या है कि ये बायपोलर डिसऑर्डर में मैनिक सिम्टम्स बहुत कॉमनली दिखाई देते हैं। मैनिक सिम्टम्स होते क्या है? मैनिक सिम्टम ऐसे होते हैं कि उसका मूड जो है बहुत हाई रहता है, बहुत खुशियां, बहुत जोक्स करेगा, किसको काट देगा, किसका इंसल्ट कर देगा, तुम नीचे हो मैं जरा ज्यादा हूँ, ऊपर हूँ मैं, मुझे ज्यादा आता है, लोगों को डोमिनेट करेगा, खुशी खुशी किसको गले लगा देगा, झप्पी मारेगा, या कोई सेक्सुअल एडवांसेस करेगा किसके तरफ, बहुत ज्यादा बात करना, और मैं कुछ बड़ा आदमी हूँ ऐसा समझना। फिर चिड़चिड़ापन काफी सारा ज्यादा होता है, बहुत चिड़चिड़ा होता है ये व्यक्ति। ये ज्यादा गैम्बलिंग खेलने में, मतलब गैम्बलिंग करने में जा सकता है, ताश खेलना, गैम्बल करना, सट्टा लगाना, या फिर ऐसे कुछ हरकतें करना कि जो नॉर्मली वो व्यक्ति करेगा नहीं। फिर कभी बहुत ज़्यादा डील कर लेना, खरीदी कर लेना, एखादा मकान बेच दिया, एखादा मकान खरीद लिया, जमीन खरीद लिया, बेच दिया, कपड़े बहुत ज़्यादा भड़क ऐसे, बहुत गाड़ी कपड़े पहनना, ज्वेलरी पहनना, फिर ज्वेलरी के ऊपर खर्चा करो। मतलब वो ऐसा समझता है कि बस मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं अभी मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट बनने वाला हूँ, या हूँ, या आमदार हूँ, खासदार हूँ, या मंत्री हूँ, मुझे प्रधानमंत्री पहचानते हैं, मुझे ये पहचानता है, मैं ऐसा कर सकता हूँ, ऐसी बातें, और वो उसके ऊपर विश्वास रखता है और वो वैसा बर्ताव ही करता है। इसको कंट्रोल करना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि आप इसके खिलाफ कुछ बोलो तो वो चिढ़ता है, इसके खिलाफ बोलो तो ये मारने लगेगा, वायलेंट हो जाएगा, आक्रामक बनेगा, और कंट्रोल करना फिर मुश्किल हो जाएगा। तो इसके मन के मुताबिक ही करना पड़ता है। मगर बहुत ज़्यादा यदि खर्चा करने लगा, बहुत ज़्यादा कर्जा करके रखा, तो उसको फिर पकड़ के लाना पड़ेगा यदि बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गया तो। इसका छोटा पार्ट रहता है हाइपोमैनिया, मतलब थोड़े सिम्टम है और मानता है वो इलाज करने के लिए, तो उसको तभी लेके आना जरूरी है। बहुत ज़्यादा यदि मैनिया हो गया और मैनिक एपिसोड में चले गया हो, मतलब हाइपर बहुत ज़्यादा हो गया, तो कंट्रोल करना मुश्किल है, फिर लोगों को उसको पकड़ के लाना पड़ेगा। क्या होता है कि हाइपोमैनिया में क्या होता है, बड़ी बड़ी जब बातें करता है, बड़े बड़े प्लान्स बताता है, तो लोगों को लगता है घर के कि ठीक है भाई, बड़ी बातें कर रहा है, बड़े प्लान कर रहा है, नॉर्मल है, तो वो लाते नहीं है, क्योंकि उनको उतना लगता नहीं कि भाई पागल हुआ करके। मगर वही लेवल है कैच करने की, नॉर्मल से थोड़ा सा ये बिहेवियर उसका अलग हो गया है, तो उसको पकड़ना जरूरी है। तो वो बीमारी पकड़ लेना और उसको डॉक्टर की तरफ लेके जाना, साइकेट्रिस्ट की तरफ लेके जाना, उसका इलाज करना जरूरी है। अभी समझो लेडी में ये होता है तो बड़ी बड़ी बातें करेंगी, लड़कों के साथ में घूमेंगी फिरेंगी, हाय हेलो करेंगी, किसको भी मतलब ये करेंगी कि भाई मैं आपके साथ में आती हूँ, बातचीत करेंगी, फ़ोन के ऊपर ज़्यादा बात करेंगी, और किसको भी लिफ्ट मांग लेंगी, किसके साथ में भी पिक्चर चले जाएंगे, मतलब ऐसा एकदम जो नॉर्मल नहीं है वो अलग से दिखाई दिया तो तुरंत रिलेटिव्स ने उसको पकड़ना चाहिए और उसको कैच करके उसका इलाज करना जरूरी है। यह है मैनिक एपिसोड। वायलेंट हो गया तो कंट्रोल करना मुश्किल, इसलिए सब लोगों को ये बताओ कि भाई नॉर्मल से यदि थोड़ा ऊपर होता है, थोड़ा हाइपर होता है, तो कंट्रोल करो। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो। इसका इलाज जो है वो पूरा हो सकता है। इसका इलाज है एक तो ट्रीटमेंट बाय मेडिसिन, मतलब लिथियम से ट्रीटमेंट होता है, सोडियम वेलपेट से ट्रीटमेंट होता है उसका, एंटीसाइकोटिक देना पड़ता है, नींद उसकी अच्छी करना पड़ता है, उसको नींद अच्छी सुलाए, बिहेवियर जो हाइपर है वो कंट्रोल करने के लिए दवाई दिया, और साथ साथ मूड स्टेबिलाइजर दिया, तो ये कम्प्लीटली नॉर्मल हो जाता है। 4 से 6 हफ्ते में पूरा नॉर्मल हो जाएगा और अपना पूरा जीवन बिता सकता है, और फिर 4-6 महीने उसको दवाई मेंटेनेंस ट्रीटमेंट देनी पड़ती है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।